छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है। टीएस सिंहदेव को प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। कांग्रेस के इस फैसले को लेकर भाजपा हमलावर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि टीएस सिंहदेव को झुंझुना पकड़ा दिया गया है, उन्हें महज 120 दिनों के लिए डिप्टी सीएम बनाया गया है। प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। ढाई ढाई साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। टीएस बाबा को फिर से एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है और टीएस बाबा उप मुख्यमंत्री पद को उन्होंने स्वीकार किया है, खुश नहीं है और इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आने वाले समय पर जो 3.5-4 साल से टीएस बाबा राजा हैं, राजा ने मन महसूस के पद जरूर स्वीकार कर लिया होगा, परंतु भूपेश बघेल को कभी वो स्वीकार नहीं कर सकते और आने वाले चुनाव में उनका जो अपमान हुआ है उसका बदला वो निश्चित रूप से लेंगे। जो भ्रष्टाचार का आरोप हम लगा रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर, कि कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, उस चेहरे को इतना बदरंग वो चेहरा हो गया था, उस चेहरे को वास करने के लिए टीएस सिंहदेव साहब को मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हम सोचते हैं कि टीएस साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, शायद कांग्रेस ने उनका अपमान ही किया है।